हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो देखिए, आपने देखा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी पिछले 2 साल से, या कह सकते हैं कि 1-1.5 साल से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, नेगेटिव रिटर्न है। HDFC AMC ले लीजिए, निपोन लाइफ ले लीजिए, बट अब यहाँ पर एक खेला हो सकता है। ये शेयर आपको जितने रिटर्न आपको चाहिए थे जो पिछले 2 साल में नहीं मिले, उससे ज्यादा रिटर्न ये पर्टिकुलर शेयर्स दे सकते हैं। आज आपने यहाँ पर देखा भी है कि किस तरीके से HDFC AMC किस तरीके से यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है। आपको पता ही है LIC ऑलरेडी इसमें बायर थी। LIC 5% की बायर थी, उसने 2% के शेयर और लिए, लगभग 7% के शेयर लिए। इस वजह से आज यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप देखी गई है। बट यहाँ पर HDFC AMC की नहीं बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ HDFC AMC तो यहाँ पर अलग ही स्टॉक है ही, यहाँ पर ये भागना ही भागना है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन गिरा है, जो भी हुआ है, वॉट एवर हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज नथिंग मैटर, बट सिंपली इसकी ग्रोथ स्टोरी की बात करें, बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी है। और इस बार जब ये भागेगा तो याद रखिए, ये जो ये टारगेट थे ना, ये सारे पूरे करते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ हमें ध्यान देना है। बट हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है आदित्य बिरला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हम इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पर ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए, मैं निपोन में भी इन्वेस्टेड हूँ, मैं HDFC AMC में भी इन्वेस्टेड हूँ, और मैं अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को यहाँ पर खरीदने के लिए सोच रहा हूँ। देखिए, आज मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कल कि यहाँ पर देखिए ABSL AMC मतलब आदित्य बिरला सनलाइफ AMC, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, बट ये फॉल्स ब्रेकआउट था, इसके बाद ही चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी। अब ये चीज यहाँ पर लगा नजर आ रही है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हो सकती है, ओके। और अगर ये गिरावट होती है और आपको ये शेयर 500 रुपए के आसपास मिल जाता है, तो याद रखिए एक्युमुलेट करना शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये शेयर अब आपको अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा आया है इस बार, ओके, वो आप काबिले तारीफ है। तो अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं यहाँ पर वीडियो डालूं तो आपको फौरन तौर पर यहाँ पर मिले। इन्वेस्ट फॉर अवर को यहाँ पर जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, हमारा चैनल ग्रो होगा तो ऑब्वियसली बात है, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए, जितना नॉलेज मेरे पास है, जितनी नॉलेज मैं यहाँ पर गेन करूंगा, सारी नॉलेज आपको यहाँ पर फ्री में मिलती हुई नजर आएगी। बट स्टिल, अगर आपको हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर नंबर दिखेगा, इन पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कांटेक्ट करिए, फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाइए। अगर आप नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते मार्केट में, देखिए मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ओके, यहाँ पर हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, हर साल चीजें महंगी होती है। जो बचपन में आप 1 रुपए की चीज लेते थे, वो अब कितने रुपए की चीज हो चुकी है, वो आपको पता ही है। इसी तरीके से हर साल चीजें बढ़ती जा रही है, बट इनकम वही की वही है। अगर यहाँ पर बीट करना है उस इन्फ्लेशन को, तो आपको इन्वेस्ट करना होगा स्टॉक मार्केट में, इस चीज को याद रखिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आदित्य बिरला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। तो सबसे पहले यहाँ पर ये डीमर्जर होती हुई दिखाई दी थी, ओके, उसके बाद ये लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी, डीमर्जर में हुई थी। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक बेहतरीन शेयर यहाँ पर दिखाई देता है। AMC से सेटअप ऑफ जॉइंट वेंचर बिटवीन आदित्य बिरला कैपिटल एंड सनलाइफ AMC, द कंपनी ऑफर्स म्यूचुअल फंड सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑफशोर एंड रियल एस्टेट ऑफरिंग। तो अगर बात करें, एक कंपनी एक पैकेज है, ओके, डाइवर्सिफाइड बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में यहाँ पर काम करती है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेज करती है, अपनी एडवाइस देती है ऑफशोर, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर रियल एस्टेट में भी ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एसेट यहाँ पर आप देखेंगे, कंपनी इज द लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग एफिलिएटेड AMC, याद रखिए सब लार्जेस्ट है इंडिया में, क्या AMC में, और मैनेजिंग लगभग कितना 303 बिलियन रुपीज, यहाँ पर देखिए 3003 बिलियन रुपीज अंडर इट सूट ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफशोर एंड रियल एस्टेट ऑफरिंग, ये सब कुछ का इंक्लूजन है इसमें एज ऑफ क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 विद मार्केट शेयर ऑफ 9.15% ऑफ द ओवरऑल म्यूचुअल फंड AUM। अगर बात करें 100% में से, अलग अलग आपने HDFC AMC भी देखा है, आपने यहाँ पर निपोन भी देखा है, आपने अलग अलग UTI भी देखा है, एज वेल एज SBI का म्यूचुअल फंड भी है, तो अलग अलग यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, और इसमें भी आज बात करें तो लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट में भी बात करें तो 9.15% की इसकी हिस्सेदारी है। तो याद रखिए
टेंथ यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर रखता है। इक्विटी स्कीम से लगभग 38% की 38.7% डेट स्कीम में 46, लिक्विड स्कीम में 14.62% की यहाँ पर AUM में है। एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें तो 100 स्कीम्स इनकी चलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की 37 इक्विटी स्कीम्स चलती है, जिसमें अगर बात करें डाइवर्सिफाइड, टैक्स सेविंग, हाइब्रिड, सेक्टर स्कीम। 52 की बात करें तो फिक्स इनकम है, जिसमें इंक्लूडिंग अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में फिक्स मेच्योरिटी स्कीम्स है, जिसमें एक मुफ्त पैसा देते हैं। 5 ETFs भी चलते हैं, 6 इनके डोमेस्टिक FOFs भी चलते नजर आते हैं। तो कंपनीज फ्लैगशिप स्कीम आर आदित्य बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन इक्विटी फंड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ, कोऑपरेटिव बॉन्ड फंक्शन। तो बात करें ओवरऑल इसी चीज में ये कंपनी काम करती है नजर आती है। पैन इंडिया यहाँ पर प्रेजेंस है, एज वेल एज हम बात करें लगभग 284 लोकेशन पे काम करती है, 27 यहाँ पर जो राज्य है उनमें काम करती है, 6 यूनियन टेरिटरीज है उसमें काम करती है कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की एक्सटेंसिव है, मल्टी चैनल विद सिग्निफिकेंट फिजिकल एज वेल एज डिजिटल प्रेजेंस एंड इंक्लूड ओवर 67,000 KYD कंप्लेंट्स MFDs, ओवर 240 नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवर 1,000 बैंक्स फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। तो कंपनी काफी बेहतरीन है और पूरे इंडिया में, पैन इंडिया यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो कंपनी यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर इंप्रूविंग इनका परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जियोग्राफिकल यहाँ पर एक्सपेंशन भी देख सकते हैं। IPO यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि एग्जैक्टली कंपनी यहाँ पर करती क्या है, कंपनी का काम क्या है। तो यहाँ पर आपको समझ में, देखिए म्यूचुअल फंड, वेल्थ पोर्टफोलियो में पेंशन, रियल एस्टेट, इन सभी चीज में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। तो इस कंपनी की तरफ आप यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज ये अपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी है, अलग अलग सेक्टर में पूरे इंडिया में यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है। सब कुछ इसमें ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर बेहतर बेहतर और केवल बेहतर यहाँ पर नजर आता है। आज की रेट की बात करो, देखिए ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था लगभग, अगर हम यहाँ पर देखें 52 वीक है 722 रुपए पे था 11 अक्टूबर को जब यहाँ पर मार्केट आया, उसके बाद से लगातार क्रैश और 483 यहाँ पर 8 मार्च को, उसके बाद से धीरे धीरे शेयर रिकवर हो रहा है। और अगर ये 500 रुपए के आसपास आता है तो एक बेहतरीन बैट होगी, वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो देखिए 1,44,000 यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई, इसमें से 60,000 लगभग 41% यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे भी उठाई गई है। कंपनी ने आते ही साथ यहाँ पर दिखा दिया कि डिविडेंड भी, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जब यहाँ पर आया रिजल्ट के बाद यहाँ पर डिविडेंड भी दे दिया, काफी यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुके हैं। और कंपनी के पास 86.5% की होल्डिंग है, जिसमें से यहाँ पर 0% की प्लेजिंग है, और 86 में इन्हें लगभग 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पर 75:25 का यहाँ पर जो सेबी का रूल है वो इन्हें फॉलो करना है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो मार्केट कैप की बात करें तो 15,363 करोड़, लगभग 15,363 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी नजर आती है। पीई की बात करें 29 का पीई है, और यहाँ पर 20 का पीई, यहाँ पर 26 का पीई की बात करें। इंडस्ट्री का पीई है ना ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है। डेट फ्री कंपनी है, 0.03% का यहाँ पर डेट है। और यहाँ पर बात करें हाई तो 723 का आगे लगाया, उसके बाद से यहाँ पर 483 यहाँ पर नीचे आया था, और 533 पे यहाँ पर शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और 5 की यहाँ पर इसकी क्या है फेस वैल्यू। ROC ROE की बात करें, देखिए जिस पर्टिकुलर शेयर का ROC और ROE बेहतरीन है, 30 प्लस है, तो याद रखिए अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आते हैं। और जब कंपनी एक ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है जो कि पीछे लिखी रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ, तो यहाँ पर आप बिलीव कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अभी शेयर आया है ओके अक्टूबर में, इसके बाद से एक गिरावट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और पर्टिकुलर चीजों की, तो यहाँ पर देखिए सेल्स, कंपनी की सेल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 255 करोड़ की सेल्स, फिर 279, फिर 303, फिर 332 और 334 करोड़ रुपीज की सेल्स। तो अभी की बात करें लगातार यहाँ पर सेल्स इनकी बड़ी है, बट इवन HDFC की बात करें तो HDFC यहाँ पर बड़ा नजर आता है, सेल्स उनकी ज्यादा है कंपैरिजन, बट जिस मैनर में यहाँ पर इंक्रीमेंट है उस मैनर में वहां पर इंक्रीमेंट नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार का भी जो नेट प्रॉफिट है सबसे अच्छा है, 186 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टरली और यहाँ पर ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छा नजर आता है। EPS की बात करें, EPS इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 72%, जो कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे बेहतरीन है। जब सब चीज यहाँ पर आपको बेहतर बेहतर और केवल बेहतर नजर आता है तो याद रखिए चीजें ऊपर जानी ही है। इसके अलावा सेल्स की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली 2017 से यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रखा है, यहाँ पर सेल्स बढ़ी, फिर यहाँ सेल्स बढ़ी। 2020 में आपको पता ही है पैसा यहाँ से जब कोविड आया था पैसा निकलने लग गया था, और सीधे इक्विटी
क्वांटिटी में आ रहा था, बट अगेन यहाँ पर पैसा आना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे जब यहाँ पर पैसा आना शुरू हो गया है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड में, और ये चीजें दोबारा बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, देखिए लगातार यहाँ पर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, लगातार यहाँ पर बढ़ा है, और इस बार भी देखिए इवन इफ यहाँ पर सेल्स कम हुई है, बट यहाँ पर प्रॉफिट की रेशियो देखा जाए तो यहाँ पर देखिए हाइएस्ट एवर है 526 का। और जब चीजें हाइएस्ट एवर आ रही है तो शेयर को भी हाइएस्ट एवर ही जाना है, नीचे नहीं जाना। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स यहाँ पर देखिए कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल में 924 करोड़ के रिजर्व 1843 करोड़, लगभग डबल हो गए। बोरिंग की बात करें, यहाँ पर ना के बराबर बोरिंग है, 52 करोड़ रुपीस की ना के बराबर। इन्वेस्टमेंट देखिए लगभग 2000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें, 95 करोड़ का कैश भी है, और जो भी पैसा इनके पास आता है वो सारा का सारा जो भी काम करते हैं वहाँ पर इनकी बुक में दिखाई देता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न 86.5% की है, जो कि इन्हें 75:25 में यहाँ पर इन्होंने चेंज करना है। और इसमें भी आप देखिए आदित्य बिरला के अलग है, सनलाइफ में इन्होंने हिस्सेदारी अलग ले रखी है, तो ये अपनी हिस्सेदारी आने वाले 3 साल के अंदर कभी भी कम करते हुए नजर आएंगे। FIs की बात करें, 1.85% की होल्डिंग थी, उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है, 1.54 की हो गई है। DIs की बात करें, वो हिस्सेदारी जो इन्होंने बेची है वो DIs ने यहाँ पर खरीद ली है, और पब्लिक से भी यहाँ पर हिस्सेदारी कम होती है नजर आ रही है, 0.1% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक से भी कम होती है नजर आ रही है। तो यहाँ पर सब चीज यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है, और माइट भी बहुत चीजें बहुत बार ये भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके 86% की, जब तक 75 नहीं आता चीजें, जब तक नॉर्मल 75:25 में नहीं आती तब तक चीजें चलना थोड़ा सा कम शुरू होती है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है। ओके 3 साल का टाइम है, 3 साल में कब में यहाँ पर चेंज करेंगे, बट 3 साल में यहाँ पर सब कुछ दिशा और दशा यहाँ पर दोनों चेंज होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर पीयर कंपैरिजन भी करें तो देखिए HDFC की जो हम बात करें पी, तो यहाँ पर देखिए 35 का यहाँ पर पी है, आदित्य बिरला का 25 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 44% है, और HDFC का 39 है, तो इसमें देखिए आदित्य बिरला सबसे अच्छा नजर आता है। सेल्स की बात करें, सेल्स यहाँ पर इनकी बढ़ती हुई नजर आती है। ओके यहाँ पर ये थोड़ा एक्सपेंशन में मार्केट कैप में यहाँ पर ज्यादा है, देखिए कितना बड़ा है वो आप देख सकते हैं, लगभग 3 गुना यहाँ पर नजर आता है, मोर देन 3 times। बट स्टिल यहाँ पर सेल्स की बात करें क्वार्टरली, वो अच्छे खासे यहाँ पर नजर आते हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल की बात करें, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, तुम बहुत चीजों में यहाँ पर HDFC या आदित्य AMC यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है। अब बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की, जो देखिए एक लगभग 31% तक की यहाँ पर गिरावट इधर पर्टिकुलर इसमें होती हुई नजर आई। अच्छा ये गिरावट हो चुकी है, इसके बाद इसने यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाया, बट आज की जो इसने कैंडल बनाई है ना, ये थोड़ी सी चीज दिखाती है कि यहाँ से चीजें यहाँ पर नीचे आ सकती है, और यहाँ पर चीजें जब नीचे आती है तो यहाँ पर जो सपोर्ट नजर आता है ये नजर आता है 500 रुपए के आसपास का, तो 500 रुपए के आसपास ये शेयर मिल जाए, और फिर उसके बाद मेन सपोर्ट नजर आता है 480 के आसपास का, तो ये जो यहाँ पर सपोर्ट है ऊपर की रेंज की रेजिस्टेंस की बात करें तो इस रेजिस्टेंस जो इसका आज का हाई है, ओके इसे यहाँ पर क्रॉस कर लेता है लगभग 550, इसे क्रॉस कर लेता है तो इसमें एक रैली होगी जो कि इसे यहाँ पर लेके जाएगी, ये चीज मैंने आपको कल बताया था। ओके और सीधी यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर शोल्डर बनाया है, यहाँ पर एक हेड बना के नीचे आके फिर ये ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है, या फिर डायरेक्ट सीधे ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि अब AMC कंपनी जो कि पिछले काफी टाइम से निकली, यहाँ पर निपोन की भी बात करें तो देखिए निपोन भी यहाँ पर काफी टाइम से इसने परफॉर्मेंस नहीं किया, एज वेल एज हम बात करते हैं यहाँ पर UTI की, UTI अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ओके यहाँ पर बात करें निपोन, यहाँ पर देखिए निपोन भी यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया, HDFC में आज न्यूज थी तो इसलिए यहाँ पर HDFC भागता हुआ दिखाई दिया, बट अब आदित्य बिरला सन लाइफ AMC की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है, नीचे के लेवल पर मिल रहा है, अच्छे खासे यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर भागे गई, और जब अगर अच्छी अगली बार के नंबर भी अच्छे खासे आ गए तो चीजें और ज्यादा निकलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप 500 रुपए के आसपास ये शेयर आ जाता है और आप यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाते हैं तो 30-33% के रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके आप यहाँ पर जो भी करेंगे तो यहाँ पर अच्छा रहेगा, तो अपने दिमाग से अपनी सोच से यहाँ से सीख के और अपनी स्टडी करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके यहाँ पर सोचिएगा। दूसरी वीडियोस को जाके देखिए, हमें जितना हो सके सपोर्ट करिए, और ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट करके काफी सारी सर्विसेज का हमारी लाभ उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।